हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साकिल लटोरिया और आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ एवेपोट्रांसपायरेशन। तो कल के लेक्चर में समझा था कि एवेपोट्रांसपायरेशन क्या कहलाता है। जब हम एवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन को कम्बाइंडली स्टडी करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एवेपोट्रांसपायरेशन बोलते हैं। क्लियर? तो वाटर कितना अवेलेबल है, इसके बेसिस पर हमने एवेपोट्रांसपायरेशन को दो कैटेगरी में भी डिवाइड किया था। एक हमने डिवाइड किया था एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन और दूसरा हमने क्या किया था? पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन। तो आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ एईटी। क्लियर? एईटी मतलब क्या है आपका? एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन। क्लियर? तो एक्चुअल एवेपो ट्रांसपायरेशन को हम कैसे मेजर करें? क्लियर? तो एक्चुअल एवेपो ट्रांसपायरेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? दो मेथड्स हैं। सबसे पहली फाइटोमीटर्स एंड लाइसी मीटर। तो यह एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्चुअल एवेपो ट्रांसपायरेशन को हम कैसे मेजर करते हैं। क्लियर? तो एक फाइटोमीटर मेथड है और एक आपकी कौन सी है? लाइसीमीटर मेथड है। तो इंडिविजुअल हम समझते हैं कि फाइटोमीटर मेथड में हम क्या करते हैं एंड लाइसीमीटर में हम क्या करते हैं। तो फाइटोमीटर मेथड में क्या किया जाता है कि इस मेथड में आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, क्लियर, क्या होता है आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है? क्लोज्ड इंस्ट्रूमेंट होता है और कैसा होता है? वाटर टाइट टैंक होता है। क्लियर? तो इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज्ड एंड वाटर टाइट टैंक। क्लियर? इंस्ट्रूमेंट में एक जो टैंक लगा हुआ है वो कैसा है? एक क्लोज्ड है, बंद टैंक है और वाटर टाइट है, जिसमें वाटर कहीं से भी एंटर नहीं हो सकता। क्लियर? इसमें क्या होता है? कंटेनिंग सफिशियंट अर्थ, इसमें थोड़ी मतलब सफिशियंट इसमें मिट्टी होती है जो प्लांट को क्या करती है? नॉरिश करती है। क्लियर? उसकी ग्रोथ के लिए हेल्प करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला मैंने? इट इज सील्ड। सील्ड मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को सील्ड किया जाता है जो प्रिवेंट करता है कि ऑटोमेटिक इसमें वाटर का इनफ्लो और आउटफ्लो ना हो। क्लियर? तो प्रिवेंट ऑटोमेटिक इनफ्लो और आउटफ्लो। क्लियर? नेक्स्ट अब यहां पे बात आती है कि प्लांट की यहाँ पे आपको ग्रोथ कराना, क्यों? एवेपो ट्रांसपायरेशन कैसे मेजर करेंगे? जब तक वो पत्तियों से एवेपोरेट नहीं होगा वहाँ पे वाटर, तो यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होना है। तो फाइटोमीटर मेथड में हम जितना भी वाटर क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। क्लियर? तो जितना भी वाटर हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो कैसा होगा? आर्टिफिशियली आपको ऐड करना है जब तक कि प्लांट की ग्रोथ कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर? तब तक हम वाटर को आर्टिफिशियली क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नेक्स्ट, अब जब इंस्ट्रूमेंट को हमने क्या किया था? रखा था लैब में, तब हमने उसका वेट किया होगा। और जब आपके प्लांट की पूरी क्या हो गई होगी? ग्रोथ हो गई होगी। तो एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमने उसको फिर से क्या किया होगा? वेट किया होगा। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड इन द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो हमने स्टार्टिंग में उसका वेट ले लिया है और एंड में भी हमने क्या ले लिया है? उसका वेट ले लिया है। तो निकालना क्या है यहाँ पे आपको? ट्रांसपायरेशन लॉसेस फाइंड आउट करना है, एवेपो ट्रांसपायरेशन कैलकुलेट करना है, एक्चुअल कितना हो रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन है जिससे आप कैलकुलेट करोगे। तो वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्रोथ इज मेजर्ड। क्लियर? ग्रोथ के लिए कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट हुई है वो हमने मेजर कर ली। एंड द लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन कैलकुलेटेड बाई इक्वेशन। इक्वेशन आपकी यहाँ पे क्या है? टी इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टू। अब यहाँ पे समझना है कि डब्ल्यू वन आपका क्या होता है। तो डब्ल्यू वन यहाँ पे आपका इनिशियल वेट होता है। क्या होता है? इनिशियल वेट होता है। अब इनिशियल वेट किसका होता है? इंस्ट्रूमेंट का। क्लियर? W2 आपका जो यहाँ पे होगा ये क्या होगा? एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट आपने जो वेट लिया है डेट इज द फाइनल वेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एंड यहाँ पे अब W आपका क्या है? तो टोटल वेट ऑफ वाटर। ये क्या है आपका? टोटल वेट ऑफ वाटर। क्लियर? एडेड ड्यूरिंग द फुल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्लियर? जब प्लांट की फुल ग्रोथ
हमने कराई है उस टाइम पे हमने जितना भी वाटर ऐड किया है उसकी टोटल क्वांटिटी आपकी क्या W रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशंस में पुट करेंगे, देन मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रांसपायरेशन लॉसेस मिल जाएगा और वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्रोथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्लियर। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि जो ट्रांसपायरेशन लॉसेस हमने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, तो यह नॉट द एक्चुअल वैल्यू, यह एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्लियर। एक्चुअल वैल्यू क्यों नहीं है, एक्चुअल वैल्यू आपको कहाँ मिलती है, फील्ड पे मिलती है। योर यह जो हमने परफॉर्मिंग किया है इस एक्सपेरिमेंट को, ये कहाँ पे किया है, लैब में किया है, क्लियर। तो इस इक्वेशन से जो आपको ट्रांसपायरेशन लॉसेस की वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअल वैल्यू नहीं हो, ठीक है। तो ये फाइटोमीटर आपकी मेथड थी। अब नेक्स्ट आपका आता है लाइसीमीटर, क्लियर। तो लाइसीमीटर को समझते हैं कि लाइसीमीटर आपका क्या कहलाता है। देखो लाइसीमीटर जो होता है यह भी फाइटोमीटर जैसा ही आपका होता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, अ लाइसीमीटर इज अ स्पेशल वाटर टाइट टैंक, ये भी वाटर टाइट टैंक है, क्लियर, कंटेनिंग अ ब्लॉक ऑफ सॉइल, इसमें भी सॉइल आपका है, एंड इज इंस्टॉल्ड इन द फील्ड अ ग्रोइंग प्लांट। लेकिन यहाँ पे लाइसीमीटर को हमने कहाँ पे इंस्टॉल्ड किया है, फील्ड में इंस्टॉल्ड किया है, क्लियर। एंड सेम प्लांट आर ग्रोइंग इन द लाइसीमीटर एज इन द सराउंडिंग फील्ड। तो जो फील्ड में आपका जैसे प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है, वैसे ही सेम हम लाइसीमीटर में क्या कर रहे हैं, पेड़ की जो प्लांट हमने लगाया है, जो फील्ड पे प्लांट है जो जैसे ग्रो कर रहा है, वैसे ही हम लाइसीमीटर में भी प्लांट को क्या करवा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, अब पानी की जरूरत होगी, क्लियर। ग्रोथ हम यहाँ पे कराएंगे तो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, सबसे पहले तो ये पॉइंट कि इसकी जरूरत क्यों है, तो कॉन्स्टेंट मॉइस्चर कंडीशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो इस अमाउंट ऑफ वाटर को आप दो तरीके से मेजर कर सकते हो, या तो वॉल्यूमेट्रिकली कर सकते हो या फिर ग्रेविमेट्रिकली कर सकते हो, क्लियर। अब वाटर जो रिक्वायर्ड है उसको निकालोगे कैसे, तो दिस वैल्यू ऑफ वाटर रिक्वायर्ड व्हेन एवरेज्ड ओवर द क्रॉप पीरियड इन mm पर डे, क्लियर। mm पर डे में आप वाटर रिक्वायर्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, विल गिव अस द वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन। जो ये वैल्यू आएगी वो आपको mm पर डे में किसकी वैल्यू देगी, एक्चुअल एवेपोट्रांसपायर की वैल्यू देगी फॉर दैट क्रॉप अंडर दीज स्पेसिफिक कंडीशंस, क्लियर। तो यहां से आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये दोनों मेथड्स के नाम याद होना चाहिए कि एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन को आप कैसे मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या आता है, पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन। तो पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन को आप कैसे मेजर करोगे, तो पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन को हम दो इक्वेशन से यहाँ पे एम्पेरिकल या एवेपोट्रांसपायरेशन इक्वेशंस को हम यूज करके कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एम्पेरिकल इक्वेशंस होती हैं जिसकी जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन जो यहाँ पे यूज हम करते हैं वो कौन सी होती है, पेनमैन्स इक्वेशन। नेक्स्ट होती है ब्लेनी-किडर्स इक्वेशन, क्लियर। तो ये दो इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन को कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। तो समझते हैं पेनमैन इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल पूछा जाता है कि पेनमैन इक्वेशन किस पर बेस्ड होता है, क्लियर। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पेनमैन इक्वेशन की बात कर रहा हूं। तो पेनमैन इक्वेशन को हम कैसे ऑब्टेंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच। हम एनर्जी बैलेंस और मास ट्रांसफर अप्रोच को जब एक साथ स्टडी करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, पेनमैन्स इक्वेशंस मिलती है, क्लियर। तो इसकी हेल्प से हम पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कैपिटल ए एच एन प्लस ई ए गामा अपॉन कैपिटल ए और इनटू गामा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन आपको मिलेगा mm पर डे में मिलेगा, क्लियर। ई आपका क्या होता है, तो जो आपका सेचुरेशन वेपर प्रेशर होता है और टेम्परेचर के बीच में जो हम कर्व बनाते हैं उसका जो स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं वो आपका कैपिटल ए होता है, क्लियर। तो स्लोप की जो वैल्यू होगी वो mm में आएगी, किसके, Hg पर डिग्री सेल्सियस में। Hn यहाँ पे क्या होता है आपका, नेट
रेडिएशन होता है, क्या होता है, नेट रेडिएशन होता है। अब नेट रेडिएशन मतलब, तो यहां पे कैसे बोलोगे, तो एमएम ऑफ एवेपोरेट वाटर पर डे में कितना कितना एमएम वाटर आपका एवेपोरेट यहां पे हो रहा है। ये आपका क्या होता है, ये पैरामीटर्स इंक्लूडिंग विंड वेलोसिटी एंड सैचुरेशन डेप्थ सेट, क्लियर। तो विंड वेलोसिटी और सैचुरेशन डेप्थ सेट के जो पैरामीटर हैं उसको इंक्लूड किया गया है, क्लियर। ई एम गामा क्या होता है, डेट इज साइक्रोमेट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.49 mm होती है। तो ये आपकी पेनमान्स इक्वेशन होती है, जिसकी हेल्प से आप पोटेंशियल एवेपोट्रांसपिरेशन को कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट आपकी इक्वेशंस जो थी ब्लेनिकडल्स इक्वेशंस, क्लियर। तो ये जनरली जो ड्राइव्ड की गई थी किसके लिए, एरिड बेस्टन यूनाइटेड स्टेट के लिए ड्राइव की गई थी। तो यहाँ पे आप क्या निकालते हो, पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपिरेशन इन क्रॉप सीजन, ईटी यहाँ पे डिपेंड क्या बता रहा है, पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपिरेशन इन अ क्रॉप सीजन कितना होता है, 2.54 K into F। अब F जो होता है वो क्या होता है, समीशन ऑफ Pn P/F/100, क्लियर। K क्या होता है, दैट इज द एम्पेरिकल कॉफिशियंट होता है, और यह डिपेंड करता है टाइप ऑफ द क्रॉप, किस टाइप की क्रॉप है एंड वह किस स्टेज में है, और स्टेज की बात कर रहा हूँ मतलब ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टेज ऑफ ग्रोथ आपकी क्रॉप की क्या है उस पर डिपेंड करती है किसकी वैल्यू, के की वैल्यू, क्लियर। मैंने क्या बोला कि के की वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो किस पे करेगी, टाइप ऑफ क्रॉप और किस पे, स्टेज ऑफ ग्रोथ, इस पर आपकी क्या करेगी, वैल्यू डिपेंड करेगी, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि एफ यहाँ पे आपका क्या होता है, तो एफ यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ मंथली सी यू आपका क्या है, यहाँ पे कंजम्पटिव यूज फैक्टर, क्लियर। तो सम ऑफ मंथली कंजम्पटिव यूज फैक्टर होता है, क्लियर, फैक्टर फॉर द पीरियड, इस क्रॉप सीजन का जो पीरियड होगा उसके लिए जो फैक्टर्स लिया है आपने सी यू मंथली उसका सम, तो वो एफ की वैल्यू होती है। पीएन क्या होता है, मंथली परसेंट ऑफ एनुअल डे टाइम आवर, और यह डिपेंड करता है कि जो प्लेस है उसका लैटिट्यूड क्या है, तो लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे टी एफ बार जो आपका था, डेट इज मीन मंथली टेम्परेचर, क्लियर। तो यह आपकी मेथड्स थी, मेजरमेंट था कि एवेपोट्रांसपिरेशन को आप कैसे मेजर करते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनफिल्ट्रेशंस को पढ़ेंगे कि इनफिल्ट्रेशंस क्या कहलाता है, और इनफिल्ट्रेशन रेट क्या कहलाता है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है, और इनफिल्ट्रेशन को हम कैसे मेजर करते हैं, क्लियर। थैंक यू।